जी इसमें बेसिकली हम अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यू की वो स्पेसिस को डिस्कस करेंगे इसकी बाउंड्रीज़ को डिस्कस करेंगे जहाँ पे स्पेस आ गया तो ओबियसली वो एक खाली जगह है उसका कोई ना कोई काम होगा अब नाम देखें रेट्रो फ्रिंशियल बिहाइंड द फ्रिंशियल मतलब जब भी फेरिंग जो है वो डायलेट करेगा ठीक है किसी भी वजह से खाना खाते हुए कुछ ज़्यादा आप इन, आ, इंस्पिरेशन करते हैं कुछ ऐसा करें तो वो जो गैप है एक्स्ट्रा डायलेशन की वजह से कवर हो जाएगा ओके अब हम मैं इसको जरा ड्रा करूँगा साथ साथ ताकि आपको समझ में आ जाए ये हमारे पास आपको पता था सामने की तरफ पड़ा हुआ था ये वाला जो फेशिया था ये हमें आ, जो ट्रैकियर को कवर किया हुआ था वो था प्री इसी तरह जो वर्टिब्रा को कवर किया हुआ था वो हमारे पास था प्री वर्टिप्रल ओके अब मैं जरा थोड़ा खुला खुला करके कर, कर रहा हूँ लेकिन ये काफ़ी नज़दीक होते हैं यहाँ पे था हमारे पास बक्को फ्रेंजियल समझाने के लिए ओके और यहाँ पे आपको पता है दोनों तरफ थी कैरोटेड शीट्स जिन्होंने डिफरेंट आर्टरीज, यानी इंटरनल वेन और उसके साथ इंटरनल कैरोटेड आर्टरी को सराउंड किया था ओके अब हमने किस चीज की बाउंड्री डिस्कस करनी है रेट्रो अब रेट्रो फ्रेंजियल क्या यहां पे फेरिंग्स पड़ा हुआ है इसके अंदर जिसने बक्को ने बेसिकली ये जो है ये हमारे पास बक्को है है जो फेरिंग्स को इसने सराउंड किया हुआ यहाँ पे फेरिंग्स पड़ा हुआ है ठीक है अब हमने क्या करना है रेट्रोफ्रेंजियल मीनस के रेट्रोफ्रेंजियल फेरिंग्स के पीछे वाली स्पेस को हमने डिस्कस करना अब इसकी बाउंड्री देखते हैं ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ था ये हमारे पास पड़ा हुआ था प्री वर्टीब्रल ये क्या हुआ था बक्को फ्रेंजियल ये क्या पड़ा हुआ था कैरोटेड शीत ओके अब देखिए एंटीरियर बाउंड्री क्या है बक्को फ्रेंजियल बना रहे ये क्या है ये सारे का सारा बक्को फ्रेंजियल है और ये स्पेस हमने स्पेस की बाउंड्री की बात करनी है ये स्पेस की एंटीरियर बाउंड्री ये हो गई पुस्टियर बाउंड्री ये क्या था प्री वर्टिब्रल था ऑन ईच साइड क्या है ये देखें ये ऑन ईच साइड पड़ा होगा तो ये क्या है कैरोटिड कैरोडीत है ये बात हो गई सुपीरियरली कहाँ पे होगा सुपीरियरली बेसिकली बेस ऑफ स्कल जहां से वर्टीपल कॉलम नीचे डाउनवर्ड मूव करते हैं और इन्फीरियरली अब ये एक स्पेस है ना तो ये किसी स्पेस में ओपन होगी तो मीडिया एक तरह की स्पेस होती है तो ये स्पेस में ओपन हो जाएगी कॉन्टेंट है कैसे अब हमने स्पेस का क्या पढ़ा है कि ये कौन सी स्पेस है रेट्रो फेरेंजियल स्पेस ठीक है जी अब इसी के नाम से आपने वेन डाल डाल देनी है इसमें इसी के नाम से आपने आर्टरी डाल देनी है इसी के नाम से आपने नर्व डाल देनी है डाल दी और एक और डाल दो यार मेरे कहने पे लिम्फ नोड कोई चीज़ मुश्किल आसान हो गया अब देखते हैं इसका क्लिनिकल अगर हमारे बिहाइंड द बिहाइंड द बको जो है या इन फ्रंट ऑफ प्रीवर्टिब्रल है इन्फेक्शन होता है इस एरिया में तो यहाँ पे पस भर जाएगी इस स्पेस में जब पस भरेगी यहाँ पे पड़े आपको फेरिंग्स जो फेरिंग्स जो है अंदर की तरफ बल्ज आउट कर जाएगा इसकी ल्यूमन तंग हो जाएगा लाइक like पहले ये इतना था पीछे से प्रेशर आया ये अंदर की तरफ बल्ज कर गया तो कम हो गया ना जो अब हम खाना खाएंगे तो ज़रा तकलीफ़ होगी सांस लेते हुए टेंशन होगी थोड़ा आपको रुकावट फील होगी अब हम बात करते हैं लेटरल फ्रेंजियल स्पेस यानी कि फेरिंग्स के लेटरली इस तरफ ओके अब जब लेटरल फ्रेंज स्पेस आ जाएगा तो इसका रिलेशन हम कुछ इस तरह से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसमें आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी लेटरल आपको जहाँ पे आ गया तो मतलब कि मीडियल साइड पे कुछ ना कुछ तो होगा तो इसकी मीडियल ये लेटरल साइड है दोनों की तो मीडियली क्या पड़ा हुआ है फेयरिंग्स याद रहेगा मीडियली हमारे पास क्या पड़ा हुआ है फेयरिंग्स अच्छा अब पोस्टीरोटरली जो चिक वाला एरिया होता है हमारी चिक्स होती है ना वहाँ पर पड़ा होता है पेरोटेड ग्लैंड ओके पोस्टीरोटरली पीछे की तरफ ओके ये स्पिक में नहीं आएगा ओके और एंटीरोट्रली मिडियल ट्रिकॉइड पड़ा हुआ होता है और पोस्टीरली कैरोटिड शीट होती है कैसे पता चला ये देखें ये लेटरल लेटरल आ, ये स्पेस थी ओके ये स्पेस लेटरल थी अब यहाँ पर पस्टीरोट्रली इसके क्या मैंने बोला कि यहाँ पे पड़ा हुआ है सपोज आप कर लें यहाँ पर भी, भी पी पड़ा हुआ है समझ लें एक निमोनी के तौर पर यहाँ पर भी पी पड़ा हुआ है एंटीरो लैटरी यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारे पास टेरी ओके मीडियल टेरी और पोस्टीर लैटरी हमारे पास पड़ा हुआ है पैरोटिड ग्लैंड जो चिप्स में होता है अच्छा जी अब पोस्टीरियरली इसके क्या है ये देखें कैरोटिड शीट्स कुछ मुश्किल नहीं था ना चलें जी और मीडियली मैंने आपको दोनों की तरफ ये आपके फेरिंग्स पड़ा हुआ है मैगजिलरी नर्व और इसी की आर्टरी की ब्रांचेज इसके वो कॉन्टेंट में आ जाएगी टिश्यू आ जाएंगे और यहाँ पे अगर पस एक्यूमुलेशन हो जाए उसको हम लिडवंग्स एंजाइना कहते हैं कोई चीज़ मुश्किल होपफुली आपको बड़ा आसानी से समझ आ गया होगा इंशाल्लाह है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाफिज़